ब्रेन शार्पनेस, दिमाग को तेज बनाना काफी हद तक इंसान के अपने हाथ में होता है। मैं आपको कुछ एक्टिविटीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ब्रेन को शॉर्प करने का काम करती है। पैदा होने से लेकर प्राण निकलने तक हमारा दिमाग हमेशा और हर समय काम करता रहता है। ये तब भी काम करता है जब हम सो रहे होते हैं। यही कारण है कि हमें सोते हुए सपने दिखाई देते हैं। लगातार एक्टिव रहने वाले अपने दिमाग को थकान से बचाने के लिए हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो बहुत आसान है, एकदम मुफ्त है और इनके फायदे हजार है। दिमाग को तेज करने के लिए मैं आपको 7 टिप्स दूंगा। अगर ये सारे टिप्स फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका दिमाग काफी हद तक तेज हो जाएगा, जिसमें से लास्ट वाली टिप्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए कि जब हम ऐसे ही वीडियो डालें तो आप सबसे पहले वीडियो देख पाए। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको 7 टिप्स दूंगा माइंड तेज करने के लिए। टिप्स नंबर 1, ध्यान। मस्तिष्क को एक्टिव और शार्प रखने के लिए सदियों पुराना उपाय है ध्यान, मेडिटेशन। हमारे ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग सदैव ध्यान लगाते थे। यही कारण था कि वे गणनाओं में बहुत माहिर हुआ करते थे और उन्हें बड़े बड़े ग्रंथ जुबानी याद रहते थे। अगर विज्ञान के आधार पर बात करें तो ध्यान करने से ब्रेन अच्छी मात्रा में न्यूरॉन्स बनाने में सक्षम होता है। टिप्स नंबर 2, जॉगिंग करना शरीर पर कई तरह से प्रभाव डालता है। यह पूरी शरीर को एक साथ एक्टिव रहता है, साथ ही ब्रेन को भी इन्वॉल्व करता है। इसके साथ ब्रिस्क वॉक करें और रस्सी कूदें। ये सभी शारीरिक गतिविधियां शरीर को मजबूत और दिमाग को तेज बनाती हैं। टिप्स नंबर 3, डाइट। दिमाग को तेज रखने के लिए अपनी डाइट में प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड की सही मात्रा का हमेशा ध्यान रखें, साथ में विटामिन डी और कैल्शियम। ये सभी चीजें ब्रेन को हेल्दी रहने और सही तरीके से काम करने के लिए जरूरी है। टिप्स नंबर 4, बाएं हाथ का उपयोग। हम सभी अपने ज्यादातर कामों को करने के लिए सीधे यानी दाएं हाथ का उपयोग अधिक करते हैं, लेकिन कई शोध में यह बात साबित हो चुकी है कि जो लोग दाएं के साथ ही अपने बाएं का हाथ का उपयोग भी बराबर तरीके से करते हैं, उनका दिमाग अन्य लोगों की तुलना में अधिक शार्प होता है और स्मार्ट डिसीजन लेता है। टिप्स नंबर 5, टेट्रिस खेल। टेट्रिस यानी ब्लॉक जोड़ने वाला खेल, जब आप खेलते हैं तो यह ब्रेन में उपस्थित ग्रे मैटर में वृद्धि करता है। यह ग्रे मैटर ही चीजों को याद रखने में सहायता करता है। इस तरह ब्लॉक खेलने से याददाश्त बढ़ती है और अच्छी याददाश्त बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। टिप्स नंबर 6, थोड़ी देर की झपकी। दिन में जब भी थकान लगे तो आप 15 से 20 मिनट की एक झपकी नैप जरूर लें। इससे भी याददाश्त बेहतर होती है और व्यक्ति की तुलनात्मक अध्ययन करने की क्षमता बढ़ती है। यानी जब भी आपको कोई स्मार्ट और सही निर्णय लेना होता है तो पहले परिस्थितियों को जांचना होता है कि क्या करना सही रहेगा। ये जो कैलकुलेटेड पावर होती है, दिन में झपकी लेने की आदत इस पावर को बढ़ाने में मदद करती है। टिप्स नंबर 7, सुबह जल्दी उठना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने या सूर्योदय से पहले उठने की आदत बना लें। ये दोनों ही पहर दिन की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। इस समय उठने से ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स और इंटेलिजेंस हार्मोन्स का सीक्रेशन प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। इसलिए सुबह जागना आपको शांत, समझदार और खुशमिजाज बनाता है, साथ में तनाव से भी दूर रखता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूले, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ।